नमस्कार साथियों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा पिछली क्लास में हम लोग जनवरी महीने का जो भी घटनाएं घटी उस समय की, उससे संबंधित आपके जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। और याद रखिए, इन क्लासों में हम लोग आपका करेंट अफेयर्स तो कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ आपका स्टेटिक जीके भी कवर किया जा रहा है। स्टेटिक जीके का कहने का मतलब ये होता है कि आप सभी जानते हैं कि देखिए, आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोगों को दो तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं। एक तो आपके स्थायी आंकड़े होते हैं, एक आप देखते होंगे कि अस्थायी आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई दिवस मनाया जा रहा है या फिर आप देखिए कोई इंडेक्स जारी किया जा रहा है, तो उस साल 2021 में आपने देखा है कि इंडेक्स आएगा, उसमें भारत की रैंकिंग हो सकती कुछ और हो, और 2022 में वो रैंकिंग आएगी, वो इंडेक्स जारी किया जाएगा, तो उस समय भारत की रैंकिंग कुछ और हो सकती है। लेकिन आप देखिए, पहली बार ये इंडेक्स कब जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था, ये इसके स्थायी आंकड़े होंगे। और मुझे लगता है कि दोनों स्टेटिक जीके हो या फिर आप देखिए करेंट अफेयर्स हो, ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि करेंट अफेयर्स कवर करते रहा करिएगा। और इसके लिए आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से। इसमें आपके 12 महीने की करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम लोग एक एक करके कवर कर लेंगे। और याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को मालूम होगा कि आपकी सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो या वन डे एग्जाम हो। वन डे एग्जाम कहने का मतलब है कि आप देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर आप देखते हैं टीचर भर्ती होती है, या फिर आपका पुलिस, सेना या एमपीएसआई, यूपीएसआई, इस तरह के जो भी स्टेट एसआई करवाते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं कि एक लाइन में उसका क्वेश्चंस दे देगा और चार आपको नीचे ऑप्शन दे देगा, तो एक क्लास आपकी उस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ए ऑप्शन इसमें कह रहा है कि 25वां, बी कह रहा है 33वां, सी कह रहा है 42वां और डी कह रहा है 45वां। बताइए आप लोग क्या लगाओगे? आप लोग इसमें लगाओगे आप लोग 45वां, यानी कि आपका डी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको बता दूं, इसकी अगर हम लोग भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ को देखने को मिलेगा? मुख्यालय न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यह आप लोग याद रखिए, भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी, तटरक्षक बल की। और इसके नाम से ही एक तरह से आप सभी को मालूम होगा, और ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तिथि वर्ष विश्व आद्य भूमि दिवस कब मनाया जाता है? क्या कह रहा है? तिथि वर्ष विश्व आद्य भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन आपसे पूछ कह रहा है 1 फरवरी को, दूसरा कह रहा है 2 फरवरी, सी तीसरा 3 फरवरी और डी कह रहा है 4 फरवरी को। बताइए आप लोग कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कब? 2 फरवरी को, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम लोग इसके आद्य भूमि के बारे में बात करें तो आप देखिए 2 फरवरी को हर साल विश्व भर में आद्य भूमि दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसके बारे में और कुछ पॉइंट भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। क्या रखना चाहिए? और विश्व आद्य भूमि की अगर हम लोग थीम की बात करें, देखिए कई बार आप देखिए आपके दिवस से क्वेश्चंस तो आते ही साथ में थीम भी पूछ लेता है, तो वेटलैंड्स एंड वाटर इस बार की 2021 की क्या रही है? थीम रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार विश्व आद्य भूमि दिवस कब मनाया गया था? बताइए। तो ये विश्व आद्य भूमि दिवस का आयोजन पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर हम लोग 2020 के आद्य भूमि
थीम की बात करें, आदिभूमि दिवस की थीम की, तो उस समय की थीम रही थी आदिभूमि और जैव विविधता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा, किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? किस सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की हुई है? इसमें पंजाब, ए ऑप्शन कह रहा है पंजाब, बी कह रहा है आपका राजस्थान, सी कह रहा है गुजरात और डी कह रहा है बिहार। तो बताइए क्या होगा, इसमें होगा आपका पंजाब। क्या होगा? पंजाब। अब आप लोग कहेंगे कि पंजाब के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता दिए जाएं, तो आप सभी जानते हैं पंजाब तो आप लोग जानते हैं ना कि भारत का एक राज्य है, पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है और इसे 1 नवंबर 1966 को राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा सीटें 117 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 7 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटें 13 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें याद रखिए इसमें आपका ए होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अशोक डिंडा ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, यानी कि छोड़ने का मूड बनाया हुआ है एक तरह से? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो याद रखिए ये क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट खेलते थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये आप लोग जरूर याद रखिए। और अशोक के बारे में अगर हम लोग बताएं तो इन्होंने 13 वनडे मैच खेले हैं जिनमें 12 विकेट लिए हुए थे, वहीं इन्होंने 9 T20 मैच खेले हुए हैं और इसमें 17 विकेट लेने में सफल रहे थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे से, क्या पूछ रहा है, कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हुई है, पायलट बनी हुई है, बताइए। ए कह रहा है इसमें हेमलता चौहान, बी कह रहा है शिवांगी तोमर और सी कह रहा है प्रतीक्षा चौबे और डी कह रहा है आपसे आयशा अजीज। तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों ने अगर करेंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा आयशा अजीज। इनकी उम्र आप देखेंगे 25 साल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनके बारे में अगर और कुछ बताऊं तो साल 2011 में अजीज ने लाइसेंस हासिल किया था और उस समय उनकी उम्र आप देखेंगे तो करीब 15 साल की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन शब्द वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है? कोरोना, मजदूर, आत्मनिर्भरता, पलायन, बताइए इनमें से कौन चुना गया है? तो आत्मनिर्भरता। आप लोग देख रहे होंगे कि नई सरकार जब से मोदी गवर्नमेंट आई हुई है, मोदी गवर्नेंस आप लोग कहा करिएगा, ठीक है, भारत सरकार होती है तो ये आत्मनिर्भरता की ओर काफ़ी जोर दे रही है, इसीलिए आप देखिए 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है, कौन? आत्मनिर्भरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या 6 फरवरी, बताइए इसमें। तो इसमें याद रखिए आप लोग क्या रहेगा, इसमें 4 फरवरी रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका 4 फरवरी, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम लोग और कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊं तो इसका उद्देश्य आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका उद्देश्य मेन जागरूकता और उस बीमारी के बारे में एक तरह से लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, पहले आप देखते थे कि कैंसर अगर किसी को हो जाता था तो वो एक तरह से टेंशन चिंता में ही दम तोड़ देता था, लेकिन आजकल आप देखिए कि कैंसर का भी बेहतर इलाज होने लगा है। और इस सवाल की अगर हम लोग थीम की बात करें तो मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये थीम रही है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस वर्ष 1993 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शहर में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है, बताइए इसे। पहला ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है, भोपाल, हैदराबाद, जलगांव या फिर चंडीगढ़? तो इसमें आप देखेंगे चंडीगढ़ होगा। क्या होगा? चंडीगढ़ होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है और मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। और इस क्लिनिक में सबसे पहले मरीज के क्षतिग्रस्त अंग का इलाज किया जाएगा और उसके बाद उसे डॉक्टर की देखरेख में रहने के साथ फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और पुनर्वास से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस क्लिनिक के संचालन का जिम्मा PGI के हड्डी रोग विभाग के पास होगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है EIU द्वारा जारी वर्ष 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है। आप देखिए, एक तरह से आप खुद जानते हैं इस बात को, तो हमारे देश में जितनी भी हमारी रैंकिंग आती है उनमें हमारी स्थिति बहुत ही बुरी रहती है, समझ रहे हैं आप लोग। लोकतंत्र सूचकांक देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, सब में हमारी लगभग स्थिति खराब ही है। एक तरह से क्या है, खराब ही है, समझ रहे हैं आप लोग। अब ये क्यों खराब है ये आप लोग भी जानते हैं या नहीं जानते हैं यह बताना पड़ेगा। तो 32वां या फिर 48वां, 53वां, 67वां, बताइए। तो आप सभी को मालूम होगा 53वां है इसके बारे में, लेकिन कुछ और पॉइंट भी हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्या है इनके बारे में कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है, ये आप लोग, और इसके पैमानों में अगर हम लोग बात करें तो चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद को ध्यान में रखा जाता है, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आज़ादी, इन सभी को इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर इसमें 53वां स्थान हमें मिला हुआ है, ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। और हम लोग 2019 में किस स्थान पर थे, 51वें, कौन से 51। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भी हम लोग भरते रहते हैं, लेकिन क्या स्थिति है आप सभी लोग बेहतर समझ सकते हैं। और इसमें हम लोग अगर सबसे ऊपर की बात करें तो नॉर्वे को आप देखेंगे टॉप स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनसे क्वेश्चंस क्या होता है कि कई बार पूछता रहता है, बहुत बुरी स्थिति रहती है। और अगर हम लोग चलें अगर हम लोग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, SN सुब्रमण्यम, MK श्रीवास्तव, SK निगम, RK चौधरी, बताइए कौन है इसमें। तो SN सुब्रमण्यम, ठीक है, इसके क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। NSC सुना है आप लोगों ने, जिसे आप लोग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, इसकी स्थापना आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 19 नवंबर 1998 में की गई थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं आप लोग, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगला कह रहा है, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली में आप जानते हैं ना अरविंद केजरीवाल को, आप लोग सभी जानते होंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफ़ी जोर भी देते रहते हैं, तो इसी को लेकर आप सभी को मालूम होगा, इनकी काफ़ी तारीफ भी की जाती है। स्टार्ट दिल्ली, स्विच दिल्ली, इलेक्ट्रो दिल्ली, क्लीन दिल्ली, बताइए। तो आप सभी को मालूम होगा कि स्विच दिल्ली, इसमें क्या लगाओगे, बी ऑप्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। और आपको बता दूं, इस अभियान के सोशल मीडिया हैंडल को जनता से सीधे जुड़ने के माध्यम में रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने में सब्सिडी या किसी अन्य शिकायतों को दूर करने, EV खरीदारों की सफलता की कहानियां और प्रशंसा पद को भी साझा कर दिल्ली वासियों को प्रेरित किया जाएगा कि आप लोग क्या खरीदिए, गाड़ी खरीदिए इस तरह की, ठीक है, और पेट्रोल डीजल से दूर रहिए।
यहाँ दिल्ली का उल्लेख हुआ है तो दिल्ली के बारे में बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। और यहाँ अगर हम लोग सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें भी हैं, राज्यसभा सीटें भी हैं, और आपको मालूम हो तो लोकसभा सीटें भी हैं। लेकिन कितनी कितनी हैं ये आप लोगों को बताया भी हुआ था। यहाँ आप लोगों को विधानसभा में 70 सीट देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसके मुताबिक आप लोगों को बताना है कि 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हुए हैं। इसमें ए ऑप्शन कह रहा है अमिताभ बच्चन, बी कह रहा है सोनू सूद, सी कह रहा है कंगना रनौत, और डी कह रहा है विराट कोहली। तो आपको बता दूं विराट कोहली भी हैं। कौन है इसमें? विराट कोहली हैं। और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे विराट कोहली 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड वैल्यू के साथ लगातार चौथे साल 2020 में सबसे वैल्यूएबल भारतीय सेलिब्रिटी रहे हैं। और इस सूची में आप देखेंगे दूसरे नंबर पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे रणवीर सिंह शामिल हैं। और मुझे लगता है इन सभी लोगों को आप लोग जानते भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश के पूर्व क्रिकेटर ब्रूस टेलर का 77 साल की उम्र में डेथ हो गई है, इनकी मौत हो गई है? कौन थे? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, बताइए आप लोग। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। और आप सभी को मालूम है प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास आप लोगों को एक देश देखने को मिलेगा जिसे आप लोग न्यूजीलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड कहते हैं। और इसकी राजधानी की बात करें तो विलिंगटन है, आप सभी जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। याद रखिए एक और बात बता दूं आपको, भारत का मैप हो, आपके राज्य का मैप हो, या दुनिया का मैप हो, इसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैप का सहारा लेकर आप लोग पढ़िएगा। तो ये क्या होगा कि आपकी परीक्षा में अगर क्वेश्चंस आता है तो आसानी से उसके आप लोग आंसर भी दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे भारत के लिए गूगल क्लाउड का एमडी नियुक्त किया गया है? विकास कुमार खुराना, विक्रम सिंह बेदी और निशांत पाल सिंह, रविंद्र सिंह चौपड़ा। तो याद रखिए विक्रम सिंह बेदी है ये। क्या है? विक्रम सिंह बेदी है। गूगल क्लाउड की बात करें तो आप देखिए गूगल की ही एक तरह से प्लेटफॉर्म है, और इसकी स्थापना अप्रैल 2008 में की गई थी, 7 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? बताइए कौन सा स्थान मिला है? 46वां, 50वां, 58वां या 65वां, बताइए। इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है तो इसमें याद रखिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? 50वां, 50 नंबर पे भारत है। और इसकी भारत आपको बात करें दक्षिण कोरिया से इंडेक्स में आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक भी कह देते हैं इनोवेशन, एक इसके द्वारा जारी की जाती है। भारत आपका 85वें नंबर पे है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे? ये ब्लूमबर्ग की बात करें तो आप देखेंगे 1 अक्टूबर 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का डेथ हो गई, यानी कि इनकी मौत हो गई है? आप लोगों को बताना है इनका किस खेल से संबंधित थे, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर शतरंज, बताइए। तो ये थे टेनिस से। ठीक है, किससे थे? टेनिस से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कौन 24 टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए?
विराट कोहली भारत, बाबर आजम पाकिस्तान, जो रूट इंग्लैंड, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं। बताइए, तो आपको देखने को मिलेगा जो रूट हैं इंग्लैंड के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, सॉबिट टेस्ट मैच में, समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आप लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, तो आप लोगों को मालूम भी होगा, क्या होगा, मालूम भी होगा। और यह है कारमाना भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलें। प्रसिद्ध व्यक्ति राजीव कपूर का निर्धन हो गया, यानी कि डेथ हो गई है, यानी कि मौत हो चुकी है। एक किससे जुड़े हुए थे, वो कौन थे, वो अभिनेता, गायक, लेखक या फिर कवि, तो याद रखिए अभिनेता थे, क्या थे, अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है। इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या उड़ीसा या फिर हरियाणा, बताइए, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसमें क्या किया हुआ है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने ये काम किया हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, इसने जमीन धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर एक तरह से आवंटित बांटा गया है, और इसे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक करके जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। और इस 16 अंकों के यूनिक आईडी नंबर को राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है, और ऐसी योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ ही नए मालिक का भी नाम दर्ज होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बता दीजिए, जब उत्तर प्रदेश की यहाँ बात हो रही है, तो आप लोगों को वैसे बता दूँ मैं, देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, आप सभी जानते हैं। आप लोगों को बताना है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया था, इसीलिए 24 जनवरी को आप लोग उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। और यहाँ अगर हम लोग विधानसभा और लोकसभा सीटों की बात करें, और राज्यसभा और आपकी विधान परिषद सीटों की बात करें, तो आप सभी को मालूम होगा कि 403 आपको विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी, 100 आपकी विधान परिषद सीटें देखने को मिलेगी, और 31 आपकी राज्यसभा सीटें और 80 आपकी लोकसभा सीटें देखने को मिलेगी। इसी गुणा भाग के कारण, सीटों के कारण, आप देखिए इस कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और आप देखिए कि अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही चुन के आए हुए हैं, समझ रहे हैं, जिसने उत्तर प्रदेश फतेह कर लिया, एक तरह से आधी रास्ता कवर कर लिया उसने गद्दी का। अगला क्वेश्चन है, कौन विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है, जेमिना फेरिस मियारा, टेमी मार्क जुहास, नगोजी ओंकोजो एवेला और डी ए पी ओसो मेलेडी ज्वाय, बताइए इसमें क्या लगाओगे। विश्व व्यापार संगठन के बारे में सुने होंगे, नहीं तो याद रखिए इसमें नगोजी ओंकोजी एवेला हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई थी, और इसमें मेंबर आपको सदस्य देखने को मिलेंगे 164, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस क्रिकेटर को वर्ष 2020-21 का एलन बॉर्डर मेडल सम्मान मिला है, डेविड वार्नर, टीम पेन, पीटर हैंडस्कम और डी है आपका स्टीवन स्मिथ, बताइए इसमें से चार में से कोई तो एक होगा, और आपको बता दूं इसमें स्टीवन स्मिथ है, कौन है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज हैं स्टीवन स्मिथ, इन्हें 2020-21 का एलन बॉर्डर मेडल सम्मान मिला हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, दलहन तो आप लोग खाते हैं ना, 7 फरवरी को, 9 फरवरी या 10 फरवरी या फिर अगहा का 11 फरवरी, तो याद रखिए 10 फरवरी को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है, और 10 फरवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस 10 फरवरी को ही मनाया जाता है,
और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना है। आप देखिए प्रोटीन भी आपको मिलता रहता है। और पहली बार 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष घोषित किया गया था। विश्व दलहन दिवस मनाने की शुरुआत 10 फरवरी 2018 से शुरू हुई थी, यानी कि पहली बार ये 10 फरवरी 2018 को मनाया गया था। आगे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। इसमें पहला है जो रूट, फिर है स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, ऋषभ पंत। तो बताइए इसमें ऋषभ पंत होंगे साहब, कौन होंगे? ऋषभ पंत होंगे। आगे चलते हम लोग, किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की हुई है। देखिए इस तरह की क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, फिर चाहे आपकी स्टेट कोई योजना जारी करे, स्कीम जारी करे, या फिर आपकी सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई स्कीम यानी कि योजना जारी की जाती है, तो आप लोग जरूर याद रखा करिए। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो याद रखिए इसमें दिल्ली लगाएंगे आप लोग। क्या लगाएंगे? दिल्ली लगाएंगे आप लोग। दिल्ली क्यों लगाएंगे? दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है और दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और बच्चों में एक तरह से आप देखिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाएगा इस योजना के तहत। तो अच्छा, इसीलिए आप तो कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की काफ़ी तारीफ होती है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसे कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया? कुप्पल, बीजापुर, उडुपी या विजयनगर? बताइए। तो आप देखेंगे विजयनगर होगा इसमें। कर्नाटक के बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ जिन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। याद रखोगे या नहीं रखोगे, सबसे पहले तो यही बताओ मुझे। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक को राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राज्य बनाया गया था। अगर हम लोग यहाँ इसकी राजधानी की बात करें तो बेंगलोर आप लोगों को देखने को मिलेगी। विधानसभा सीटों की बात करें तो 224 देखने को मिलेगी। विधान परिषद 75 सीटें, विधान परिषद भी है इस राज्य में। राज्यसभा सीटें 12 हैं और लोकसभा सीटें 28 हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व मिर्गी दिवस की बात हो रही है? मिर्गी दिवस आप लोगों ने सुना होगा कि मिर्गी आती है उसे। ए कह रहा है फरवरी महीने की दूसरे रविवार को, बी कह रहा है फरवरी महीने की दूसरे सोमवार को, सी कह रहा है फरवरी महीने की दूसरे मंगलवार को, और डी कह रहा है फरवरी महीने की दूसरे शुक्रवार को। तो याद रखिए फरवरी महीने की दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इसमें आप लोग बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। और आपको बता दूं ये दिवस फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दौरे के कारण बन सकती है, और मिर्गी द्वारा पड़ना रोगी और देखभाल करने वाले दोनों के लिए डरावना और भ्रामक होता है। और ऐसी स्थिति में जागरूकता बढ़ाने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए एक तरह से इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चंस बन जाता है ना, इसलिए बात कर रहा हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाने की घोषणा हुई है? झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, मणिपुर? तो ये आप याद रखिए उड़ीसा में होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि हमें उड़ीसा के बारे में भी बताइए, क्योंकि आप लोगों की जानने की जिज्ञासा भी तो होती है ना कि उड़ीसा के बारे में आपको जानना चाहिए। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? सबसे पहले तो यही जानना चाहिए मुझे लगता है कि उड़ीसा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसकी राजधानी बता देता हूँ कि भुवनेश्वर है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। बहुत पुराना राज्य है आपका। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा सीटें 147 हैं, लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ 10 देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? 10 देखने को मिलेंगी। और इसके भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उड़ीसा के बालासोर में भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट
बेड को स्थापित किया है। और आपको बता दूं, उड़ीसा और पूर्वी राज्यों में बिजली के झटके के कारण होने वाले जान माल के घातक नुकसान को कम करना इस थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का उद्देश्य होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये भारतीय मौसम विभाग विज्ञान क्या है, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता हुआ है? फिर से एक बार सुन लीजिए, किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता हुआ है? तो सी घागर, बीना दास, और सी कह रहा है आपसे श्रुति छिल्लर, और मानसा वाराणसी। तो याद रखिए, समय मानसा वाराणसी होगा, ठीक है, क्या होगा, और ये तेलंगाना की हैं, ठीक है। और VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दूं, इसमें हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए आप लोगों को, अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसकी राजधानी शिमला देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश की, और दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। और इसे 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ आपको विधानसभा सीटें 68 देखने को मिली जाएंगी, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 4 देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज, या फिर आप देखें कल्पना चावला? बताइए इसमें से 4 में से आप क्या लगाओगे अगर आपसे पूछा जाए तो। अगर आप लोगों को मालूम हुआ करे तो आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा, और जितनी अधिक जानकारी हुआ करे उतना मैं तो कहता हूँ लिखा करिएगा। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, सरोजिनी नायडू। अगर हम लोग सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा कि इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनकी मौत 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। कहाँ? लखनऊ में। और सरोजिनी नायडू, याद रखिए, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस की बात हो रही है, बताइए कब मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 10 फरवरी? और एक और इसका महिला दिवस की थीम और आपको बता देता हूँ, महिला नेतृत्व COVID-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है, क्योंकि थीम पूछ लेगा आपसे, हो सकता है। और इस बार अगर हम लोग रेडियो की बात करें तो 13 फरवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम की बात करें तो इस बार की थीम इसकी रही थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, यानी नई दुनिया नया रेडियो, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति इटली के नए प्रधानमंत्री बने? एंड्रू फॉल्क, जेसन वुड, मारियो द्रागी, लिम्फो मार्क। तो याद रखिए इसमें आपका मारियो द्रागी होंगे, इंग्लैंड, यूरोप में आप देश देखते ना उसी की बात हो रही है। किसे टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? जेम्स हुज, मार्क लिस्टोसेला, अल्वेरो जॉनसन, पेलो ग्रासज, बताइए। तो याद रखिए इसके मार्क लिस्टोसेला होंगे, क्या होंगे इसमें आपका बी ऑप्शन, क्या करोगे बताइए, इसमें आपका बी ऑप्शन। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके फाउंडर थे JRD टाटा थे, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? दिनेश कार्तिक, नवन ओझा, रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत।
बताइए इसमें कौन होंगे? नमन ओझा। कौन होंगे? नमन ओझा होंगे इसके। और भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर भी रहे हैं, बल्लेबाज भी रहे हैं। इन्होंने संन्यास लेने का एक तरह से ऐलान भी किया हुआ है। चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आईपीएल क्रिकेट टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? पंजाब किंग्स, पंजाब टाइगर, पंजाब लायंस या फिर पंजाब पख्तूनस। तो याद रखिए पंजाब किंग्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पंजाब किंग्स। और भी इसके बारे में कुछ बताऊं आपकी बातें, इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं हम लोग, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अभी हुआ था ना। अब आगे आपको बता दूं इसी नाम से जाने जाएंगे। पहले इस टीम को किंग्स इलेवन पंजाब कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव की स्मारक का शिलान्यास किया हुआ है? और मुझे लगता है कि अगर आप लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते होंगे और आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज पेपरों से जुड़े रहते होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो इसमें आप लोग उत्तर प्रदेश लगाएंगे, महाराजा सुहेलदेव। और इनके नाम पर आप देखिए राजनीति भी काफ़ी होती रहती है। आपको बता दूँ 995 AD में इनका जन्म होता है, 1050 में इनकी मौत हो जाती है, समझ रहे हैं? और भारतीय राजा रहे हैं एक तरह से एक समय के, तो उन्हीं के नाम पर एक तरह से बात हो रही है राजनीति। आगे चलते हैं हम लोग। कौन भारतीय मूल की महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है? निधि शास्त्री, सुमन कौर या रेखा कुमारी, प्रीति सिन्हा। तो इसमें आप लोग याद रखिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी हुई है, तो प्रीति सिन्हा होंगी इसमें। क्या होंगी? प्रीति सिन्हा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए यहाँ संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है, यूनाइटेड नेशंस की बात हुई है, तो आपको बता दूं 24 अक्टूबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क USA में देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग इसके फंड की बात करें संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की, तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें संस्करण में ने हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार मिला है? साक्षी तंवर, एकता कपूर, आशा नेगी, दिव्यांका त्रिपाठी। तो याद रखिए एकता कपूर, एक काफ़ी विवादों में भी रही थी, आप सभी जानते हैं, रही थी या नहीं रही थी, ये अपने कामों के कारण। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व एम राम जोइस का निधन डेथ हुई है यानी कि मौत हुई है, वह कौन थे? पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व क्रिकेटर या फिर पूर्व रक्षा मंत्री, बताइए। तो आपको बता दूं पूर्व राज्यपाल थे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? अब देखिए इस तरह के क्रिकेट से क्वेश्चन आ जाते हैं और मुझे लगता है क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो वो आसानी से इसका आंसर दे पाते होंगे। आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे इसके, बताइए आप लोग। फेबियन एलन, क्रिस मोरिस, साकिब अल हसन, पीटर हैंड्सकंब। तो याद रखिए क्रिस मोरिस। अब आप लोग कहेंगे कितने महंगे बिके थे, तो आप लोगों को अगर मालूम हो तो बताइए जल्दी से, वरना मैं तो बताऊंगा ही। ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, ठीक है, और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इन्हें 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। एक बात आप लोगों से पूछनी है मुझे, आप लोग इसे IPL को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? क्योंकि आप देखिए अन्य कोई देश इस तरह का कोई मैच नहीं करवाता है। देखिए मुझे लगता है दो देशों के बीच मैच अगर होता है तो ठीक है, लेकिन अपने ही देश के बीच अगर इस तरह का कोई मैच खेला जाता है और राज्यों के बीच,
देखिए, जहाँ तक पैसे की बर्बादी की बात है तो आप सभी जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ कमाई भी होती है। तो आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कोरोना महामारी में आपने देखा है दुनिया बंद हो रही थी, लेकिन ये बंद होने का नाम भी नहीं ले रहे थे, इनकी आलोचना भी काफ़ी की गई थी। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नामक योजना शुरू की है? राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो ये है आपका असम होगा। क्या होगा? असम होगा। असम जानते हो कहाँ है? असम पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा, और असम में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना के अंतर्गत कई छोटी बड़ी परियोजनाओं को शामिल भी किया गया है, और जिसका मुख्य लक्ष्य यही है कि कनेक्टिविटी को आसान बनाया जाए, जाने आने को आसान बनाया जाए। असम के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसे 26 जनवरी 1950 को राज्य बनाया गया था, और इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ विधानसभा सीटें 126 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 14 देखने को मिलेगी, 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? ए कह रहा है फरवरी महीने की तीसरे शनिवार को, बी कह रहा है फरवरी महीने की तीसरे रविवार को, सी कह रहा है फरवरी महीने की तीसरे बुधवार को, और डी कह रहा है फरवरी महीने की तीसरे मंगलवार को। बताइए कुछ इसका मालूम चलेगा? तो इसमें मुझे लगता है फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। और दुनिया भर में ये मनाया जाता है, और इसका मनाने का उद्देश्य यही कि पेंगोलिन जो जीव होते हैं इनकी प्रजाति को बचाना, एक तरह से आप सभी जानते हैं कि खत्म होती जा रही है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा पेंगोलिन। और पेंगोलिन एक गहरे गहरे भूरे या पीले रंग भूरे रंग का झुंडाकार जीव होता है, ठीक है, और सांप छिपकलियों की तरह दिखाई देता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलें आगे चलते हैं, ए ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। इसकी पहले आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मुझे लगता है इस क्लास को देखें तो और बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है? तो इसमें ए कह रहा है डेनियल मेदवेदेव, बी कह रहा है रोजर फेडरर, और सी कह रहा है नोवाक जोकोविच, और डी कह रहा है राफेल नडाल। राफेल नडाल को तो आप लोग जानते होंगे, नोवाक जोकोविच को भी जानते होंगे, काफ़ी एक तरह से चर्चित खिलाड़ी हैं। तो इसमें आप देखेंगे नोवाक जोकोविच होंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल। 1905 से चला आ रहा है, पता है बहुत पुराना, सर्बिया के स्टार खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, और इन्होंने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, और जोकोविच का यह 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। और इन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी थे डेनियल मेदवेदेव, इन्हें 7-5, 6-2, 6-2 से हरा कर अपने नाम किया हुआ था इसे। चलें आगे चलते हैं। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता हुआ है? वहां देखिए पुरुष में नोवाक जोकोविच हैं, अगर महिला में पूछा जाए तो जेनिफर वेरडी, नवोमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या सिमोना हालेव। तो याद रखिए नवोमी ओसाका हैं, ठीक है, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नवोमी ओसाका, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता हुआ है, और फाइनल मुकाबले में ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर वेरडी को सीधे सेट में 6-4 और 6-3 से हराया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? फिर से एक बार सुन लीजिए, कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड। तो याद रखिए उत्तराखंड होगा इसमें। क्या होगा? उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया हुआ है, एक फैसला लिया हुआ है कि महिलाओं को
महिलाओं को सशक्तिकरण एक तरह सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए फैसला लिया गया है। और जो पितृक यानी कि पिता की संपत्ति होती है उसमें अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लाकर आई है और उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में आप सभी जानते होंगे, यहाँ अभी कुछ समय पहले काफ़ी उठापटक भी चली हुई थी, कई CM बदले गए थे, उन्होंने कहा ये सही नहीं, फिर उन्होंने कहा ये सही नहीं। इसकी राजधानी देहरादून है और आप सभी को मालूम है कि 9 नवंबर सन 2000 को 2000 में इसे उत्तर प्रदेश से कल के एक अलग करके बनाया गया था। विधानसभा सीटें यहाँ 71 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 5 देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? मुझे तो लगता है कि आप लोगों को कुछ भी चिंतन करते रहना चाहिए, तो विश्व चिंतन दिवस की बात हो रही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी। तो याद रखिए इसमें 22 फरवरी होगा आपका। क्या होगा? 22 फरवरी होगा। 22 फरवरी को दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है और यह दिवस दुनिया भर में कई गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स को एक दूसरे के लिए सहारना दिखाने की अनुमति देता है और इस दिन को खास तौर पर गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट के बारे में सोचने के लिए विश्व भर में मनाया जाता है और इस दिन को महिलाओं के सम्मान के तौर पर भी देखा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलें कि ना चलें आपका जैसा मन हो। इसका विषय रहा है शांति स्थापना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी या 25 फरवरी? क्या है विश्व मातृभाषा दिवस? मातृभाषा आप लोग समझ रहे हैं, उसी की बात हो रही है। तो 21 फरवरी को बिल्कुल सही रहेगा आपका, दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए इस दिन को खासतौर पर मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भाषा में विविधता को बढ़ावा देना है एक तरह से। और 1999 में यूनेस्को ने इसे एक तरह से शुरू किया था। स्वीकृति दी हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारी भाषा चले आगे। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने, कौन व्यक्ति निर्यात संगठन की FIEO ने नए अध्यक्ष बने हैं? निर्यात संगठन, आयात संगठन नहीं, निर्यात यानी कि हम लोग बेचने की बात हो रही, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में। बी पल्लवल, ए शक्तिवल या फिर आपका सी एस जयशंकर या डी पी सुदर्शन, बताइए आप लोग। तो याद रखिए ए शक्तिवल, शक्तिवल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है? मुरैना, अलीराजपुर, होशंगाबाद या जबलपुर? तो आप सभी को मालूम होगा कि होशंगाबाद होगा इसका। और एक बात और आपको बता दूं, यहाँ मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट बता देते हैं। जैसे आप लोग मध्य प्रदेश को क्या क्या किन किन नामों से जानते हैं? मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर प्रदेश, सोया प्रदेश, आप समझ रहे हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, राज्य के रूप में आया था और भोपाल इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा सीटें आपको 230 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटें 29 देखने को मिलेगी और राज्यसभा सीटें 11 देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, बताइए। ए ऑप्शन आप लोगों से कह रहा है रणवीर सिंह, वीर सलमान खान, अक्षय कुमार या वरुण धवन, बताइए। इनमें से तो एक होगा लेकिन कौन होगा ये आप लोगों को बताना होगा। कौन होगा बताइए कुछ।
अक्षय कुमार। कौन होंगे? अक्षय कुमार। दादा साहब फाल्के के बारे में सुने हैं? इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। 30 अप्रैल 1870 में इनका इनकी डेथ हुई थी 16 फरवरी 1944 को, ठीक है। और दादा साहब फाल्के की एक तरह से सम्मान में दिया जाता है पुरस्कार। और इनकी सत्ता इस पुरस्कार के प्यारा में 1969 में हुआ था। 1969 में पहली थी इसे पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली देविका रानी थी, ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और 2000 अगर अभी लेटेस्ट की बात करें, 2020 में मिला जो ये अमिताभ बच्चन को। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन बेस्ट एक्टर की बात हो रही थी तो अक्षय कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी 21 फरवरी, और अगला है आपको 23 फरवरी और 24 फरवरी। तो याद रखिए 24 फरवरी को ये मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। और इसे मनाने का उद्देश्य यही होता है कि केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का देश के आर्थिक विकास दिए जाने वाले योगदान का सम्मान हो, और इसके जरिए टैक्स सिस्टम के बारे में लोगों में जागरूकता हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी ना के बराबर लोग टैक्स देते हैं, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं, अब हम लोग पीछे तो चलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बने? रामनिवास माथुर, लोकेश भारद्वाज, सुरेंद्र राव, विजय सांपला। एक बात और आपको बताऊं, देखिए एमपीपीएससी में जब तक एसटीएससी एक्ट आते थे उस समय तक आपने देखा हो बड़ी संख्या में इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते थे। लेकिन आपने देखा है कि नया सिलेबस आ चुका है तो उस समय भी आपके 2-3 क्वेश्चंस आते रहते हैं इस तरह के, तो इसमें विजय सांपला होंगे। लेकिन आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, जनजाति नहीं है, याद रखिए। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो 19 फरवरी 2004 को स्थापना में आया हुआ था अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। और ये अनुसूचित जातियों के जो एससी के लोग होते हैं इनके हितों की रक्षा के लिए काम करता है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से आयोग से संबंधित है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और एक और आप लोग याद रखिए, जो 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था इसमें एक सदस्यीय प्रणाली को बहुस्तरीय सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित किया गया था। पहले आप देखिए कि एक तरह से दोनों को मिलाकर एक हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आगे चल के लिए इसे अलग कर दिया गया था 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट हो सबको याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? केरल, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर। तो याद रखिए केरल होगा इसमें, और आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जो भी आपके देश में कोई रिपोर्टें आती हैं उसमें आप देखेंगे केरल सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। आप देखिए साक्षरता की बात हो, लिंगानुपात की बात हो, सबसे बेहतर है आपका किसका? केरल का है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ विधानसभा में 140 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 9 सीटें देखने को मिलेगी, और लोकसभा में 50 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और केरल ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की हुई है, शुरुआत की हुई है, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य की तरफ से नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, एक तरह से संकल्प लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कौन महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाली भारत का चौथा राज्य बना है? बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक, बताइए। तो याद रखिए इसमें उत्तराखंड है, क्या है? उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड भारत का ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन चुका है जहां पुलिस ने महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया है। इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो दस्ते
पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आपके, यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं? बताइए, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान या ईरान? तो याद रखिए भारत, आप सभी जानते होंगे इन्हें, तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ऑलराउंडर रहे हैं, समझ रहे हैं, 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा भी रहे थे। पठान ने, आप देख बताऊं तो 57 वनडे मैचों में 27 की औसत से 810 रन बनाए, वहीं 22 T20 मैचों में उनके नाम 236 रन है। उन्होंने वनडे में 2 शतक और 3 अर्धशतक भी ठोके, ठीक है, और यूसुफ ने वनडे में 33 और T20 में 13 विकेट भी अपने नाम किए हुए हैं, तो ये इनकी कुछ उपलब्धि भी है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 59 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये याद रखिए 60 साल। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, 60 साल लगा दोगे बिना सोचे समझे? नहीं, सोच लेना है, फिर आप कहो सोचे समझे। तमिलनाडु के बारे में कुछ बता देता हूँ, आप लोग कहें तो तमिलनाडु के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ, कैसा आप चाहो, जैसा, वैसे बता देना चाहिए मुझे लगता है। आप सभी लोगों को मालूम होगा, क्या मालूम होगा तमिलनाडु के बारे में, ये पूर्वी कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत में आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी क्या है बताओ? चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। और इसे राज्य कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ आपको 234 विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी, 39 सीटें देखने को मिलेगी आपको लोकसभा में, राज्यसभा सीटें यहाँ 18 देखने को मिलेगी। कितनी? 18, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन व्यक्ति OLX ऑटोज के नए ग्लोबल CEO बने हुए हैं? इसमें हैं जगदीश त्रिवेदी, गौतम ठाकर, राजपाल सिन्हा, अनिल निगम, कौन है बताइए? तो इसमें याद रखिए गौतम ठाकर होंगे, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि विष्णु नारायण का डेथ हो चुकी है, यानी कि मौत हो चुकी है एक तरह से उनकी, ठीक है, तो मलयालम, तमिल या गुजराती या मराठी? तो याद रखिए मलयालम से जुड़े हुए थे। किससे? मलयालम से। अब है आपका पितृवर्ष, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 25 फरवरी? इसमें आप लोग 27 फरवरी लगाएंगे। एनजीओ आप लोग बना लेते हैं ना किसी काम के उद्देश्य से, आप देखिए किसी की मदद करने के उद्देश्य से, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। और इसका गैर सरकारी भी होते हैं संगठन बनाने या इन्हें सहयोग करने के लिए, ठीक है, तो एक तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे चलते हैं, भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? हॉकी, क्रिकेट या फिर इसमें आप लोग देखेंगे फुटबॉल, बैडमिंटन? तो इसमें क्या लग रहेगा? क्रिकेट होगा। क्या होगा? क्रिकेट होगा। हमारे देश में सबसे पॉपुलर कोई खेल है तो वो क्रिकेट ही है, आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पृथ्वी वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी को? तो आप सभी को मालूम होगा कि 28 फरवरी को मनाया जाता है और एक व्यक्ति की याद में मनाया जाता है, वो व्यक्ति कौन थे बताइए कुछ इनके बारे में। और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञान के प्रति, आप सभी जानते हैं विज्ञान क्या होता है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में एक तरह से मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को इनका जन्म हुआ था और नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हें, आप सभी जानते होंगे अगर हम लोग विज्ञान दिवस की बात की जाए तो। तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, लेकिन विज्ञान की थीम की बात भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो इस साल की अगर हम लोग थीम की बात करें तो फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क है इस साल की थीम रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारतीय भारत भारती सम्मान मिला है? डॉक्टर मोहिनी, डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर सूर्यवाला, डॉक्टर विजयश्री? बताइए इसमें से कौन, किसे लगाओगे आप लोग, क्या करोगे, कुछ बताओगे भी?
तो इसमें आप लोग डॉक्टर सूर्यवाला, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत भारती सम्मान, कुछ तो अच्छा किया होगा तभी तो मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 के सम्मान पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए का प्रतिष्ठित भारतीय भारत सम्मान मुंबई की डॉक्टर सूर्यवाला को मिला था। इसके अलावा 4 लाख रुपए का लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे को मिला था और 4 लाख रुपए की हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को दिया गया था। ये आप लोग याद रखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है इसे, ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये थे फरवरी महीने की जो भी आपकी घटनाएं रही हैं, जो भी करंट अफेयर्स रहा है, उससे जो भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना रहेगी, उन्हीं को शामिल किया गया था। चलिए तो आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग मिलते हैं मार्च महीने की जो भी आपकी घटनाएं रहेंगी उन्हें भी हम लोग देखेंगे एक एक करके।